विशाल मानव श्रृंखला बनाई गई जिसमें हर लोग शामिल हुए। सर्वप्रथम तो मैं हमारे महामहिम कार्डिनल को भावनी विदाई देते हैं। मैं उनके साथ 3 साल रहा है ये मिनिस्टर के रूप में। उनके खाना पीना की व्यवस्था मैं करता था और इसीलिए उनको सुबह में दालिया और एक से दिया जाता था ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। और इस तरह से उन्होंने हमारे आदिवासियों के, ना केवल आदिवासियों के लिए, सबों के लिए बहुत ही बेहतरीन काम किए। और इसीलिए उन्होंने हमेशा यही कहा करते थे कि भगवान जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, ठीक ही करता है, प्रभु का मार्ग प्यार करो। और उन्होंने अपने जीते जीत रहते ये सारी बातें करके दिखाया है। हमें हमारे आदिवासियों, ना पूरा आदिवासी, पूरे समाज के लिए बहुत क्षति हुई है। हम इनके क्षति को हम पूर्ति नहीं कर पाएंगे। अंतिम इच्छा थी उन्हें कि मदर टेरेसा की जो प्रतिमा स्थापित है इस चर्च में, उसी प्रतिमा के सामने उन्हें विश्राम दिया जाए। हाँ, उनकी अंतिम इच्छा यही थी, इसलिए उसे के अपना अंतिम इच्छा को उनको पूरा किया जा रहा है, वही अपनाया जाएगा। तमाम प्रक्रिया पूर्ण कर ली? हाँ, पूरी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। प्रक्रिया जो है पूर्ण कर ली गई है और कुछ देर में जो है वो सर्वे शुरू किया जाएगा। उनसे राइस का चिप है खिजरी विधायक सर, कई मुद्दों को लेकर अपनी बातों को मुखरता से रखते रहे हैं, चाहे सरना को हो चाहे और भी तमाम मुद्दे हो, आज हमारे बीच नहीं है। जो लोगों का हुजूम आपने देखा किस तरह से लोगों का हुजूम उमड़पुरा मांडा से लेके पूरा जो ये पुरलिया रोड है। देखिए, कार्डिनल का होना ही बहुत बड़ा बात है और ये पूरे भारतवर्ष के लिए एक गौरव करने वाला क्षण रहा था जब इनको कार्डिनल बनाया गया। कार्डिनल का बनना, कार्डिनल वैश्विक स्तर के लीडर होते हैं। कार्डिनल मैं आपको कह सकता हूँ कि संत पापा से मिलने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति को भी परमिशन लेकर के उनसे मिलना पड़ता है। वो उस कैटेगरी के लीडर थे। और कार्डिनल का भारतवर्ष से होना, कार्डिनल का झारखंड प्रदेश से होना और वो भी दक्षिणी छोटे नागपुर से होना और वो भी एक आदिवासी समुदाय से वो होना, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि अभी तक का इतिहास में आदिवासी समुदाय के ये पहले कार्डिनल हैं जिनको ये इस पद को सुशोभित किए। मैं आपको कह सकता हूँ इनके जब ये थे, इनका सोच जो था, इनका सोच, मैं कई एक बार इनसे आशीर्वाद लेने का अवसर मिला। मुझे वो कहते थे कि राजनीतिक व्यक्ति हो, प्रदेश धनी प्रदेश है, यहाँ के लोगों का आर्थिक विकास कैसे हो, यहाँ के लोगों का सामाजिक विकास कैसे हो, यहाँ के लोगों का राजनीतिक विकास कैसे हो, यहाँ के लोगों का सांस्कृतिक विकास कैसे हो, यहाँ के आदिवासी और मूलवासी कोई फर्क नहीं करते थे, उनमें किसी भी प्रकार का फर्क नहीं था। ये नहीं था कि आप किस समुदाय से, वो देखते थे कि मेरा प्रदेश, क्योंकि कोई भी इंसान जहाँ जन्म लेता है वहाँ के प्रति उसको प्रेम रहता है। अगर आप मिट्टी के घर में भी अगर जन्म लिए हैं तो आपको उस मिट्टी का घर से प्रेम होता है। उसी प्रकार से कार्डिनल भी, क्योंकि यहाँ दक्षिण छोटा नागपुर में वो हमारा सौभाग्य था कि वो यहाँ पे इस प्रदेश में जन्म लिए। आज कार्डिनल का नहीं रहना, अगर मैं आपको यकीनन कह सकता हूँ, कार्डिनल तलेश्वर पी टोप्पो स्वस्थ अवस्था में अगर और 10 वर्षों तक अगर जीवित रहते तो झारखंड प्रदेश को जो यहाँ की हुकूमत नहीं दे पाई है वो यहाँ के लोगों को मिलता। लेकिन चूंकि उनकी जो स्वास्थ्य में जो गिरावट आई, नतीजा क्या है कि बहुत सारे उनका जो सपना था, उनका जो सोच था, उन सोच को अमलीजामा नहीं पहनाया जा सकता। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में उनका जो सपना था उस सपना को साकार करेगा। देखिए, बहुत खुल करके सरकार को भी लताड़ने वाले व्यक्तियों में से एक थे। अगर सरकार गलतियां करती थी, उन्होंने कहा था, क्योंकि वो खुद भी एक आदिवासी थे, जब CMT और SPT एक्ट में जब संशोधन करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने कहा था कि CMT SPT एक्ट में अगर संशोधन किया कराया जाएगा तो यहाँ के आदिवासी ही नहीं, यहाँ के मूलवासी भी बिगड़ जाएंगे, क्योंकि दोनों की संस्कृति सभ्यता और गांव एक है। तो इस राजनीतिक सोच था ही था, लेकिन सामाजिक सोच था
और समग्र सोच रहा था। कार्डिनल की उस पर भी टुप्पो का नहीं रहना अपूर्णीय क्षति है और इस क्षति को ईश्वर जाने फिर कब इस पद को झारखंड प्रदेश से सुशोभित होगा यह पद और उसमें से आदिवासी से कब सुशोभित होगा ये सपना है। कई मुद्दों के साथ सरना कोर्ट के भी कई बहुत बड़े समर्थक भी थे और मांग भी करते रहे। नहीं, वो जानते थे कि जिस प्रकार से विखंडित रहा है यहाँ का जो सरना समुदाय, वो जानते थे कि बहुत सारे लोग वो जात भी लिख नहीं पाते थे। नतीजा क्या है कि उनकी संख्या में गिरावट थी, तो चाहते थे उन्होंने ही सरकार को एक गाइडलाइन दिया था कि आपको सरकार को करना चाहिए, सरकार को देना चाहिए, ताकि जो घटती हुई जो पॉपुलेशन है जो आदिवासी समुदाय का, वो समुदाय का पॉपुलेशन। देखिए, आज मैं आपको, चूंकि ये जगह नहीं है बोलने का, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि अगर आप ईमानदारी पूर्वक सर्वे करा लेंगे तो आदिवासी समुदाय का परसेंटेज जो है 35 अवब है, लेकिन किसी अज्ञानता के कारण आज भी इतना 7% जो है, जो डिफरेंसेस है वो आज भी दिख नहीं रहा है। इसी कारण से महामहिम कार्डिनल का सोच रहा था कि यहाँ के पॉपुलेशन को बचाया जाए और यहाँ के जो एक्चुअल जो यहाँ का जो पॉपुलेशन है उसको दिखलाया जाए। कोई अंतिम बात जो की याद हो आप, और साथ ही साथ कोई संदेश जो आप देने चाहिए? देखिए, मैं उनके गांव गया था, उनके भतीजा का सिल्वर जुबली था मैक्सिमस टोपोजी का, तो वहां से उनसे बहुत नजदीक भोजन करने का अवसर मिला था। बहुत उनको जो है, तो आज तो एक छोटा अफसर बन जाता है तो बहुत बड़ा वो साम्राज्य स्थापित कर देता है। इतने बड़े लीडर का गांव जाएगा तो एक खपड़ा का मकान और उनके लिए एक शौचालय, उसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। तो ये सोच रहा था, तो ये सोच हर किसी के पास नहीं हो सकता है। ये महान व्यक्ति जो होते हैं उन्हीं का ये सोच हो सकता है, किसी का इस तरह से सोच नहीं हो सकता है, क्योंकि उनका एक अलग ही अंदाज था, अलग ही ख्याल था, और यही वजह है उनका एक अलग पहचान बना था। और देखिए किस तरह से जो अभी भी जो लोग दर्शन करने के लिए यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। और कहाँ से हैं आप लोग? डोरंडा से दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए सुबह से ही है? नहीं, हम लोग दोपहर से, हम लोग रोड से ही उनका इंतजार कर रहे थे दर्शन के लिए, कड़ी धूप में। हाँ, कड़ी धूप में आज हम लोग श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत महान कार्य किए हैं, विशेष रूप से हमारे छोट नागपुर के लिए। और सर, मिला कभी मिलने का या कोई बातें उनकी याद हो? हाँ, याद है। वो जब भी कहा करते थे, जो कुछ भी होता है अच्छा के लिए होता है। उनका एक मेन, जब भी वो कहीं भी कुछ भी कहते थे तो ये शब्द वे कहते थे, तो उनसे हमें प्रेरणा मिलती है कि अपने जीवन में हमें आगे बढ़ने। कभी मुलाकात हुई आप या फिर कोई बात उनकी जो याद हो? नहीं, बहुत से लोग हैं जो आज तक नहीं मिल पाए उनसे। और आपकी कभी मुलाकात हुई उनसे? अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हुए पहली बार आए। उनके बारे में कुछ सुना हो? सुना नहीं, वो पढ़ा हमने कि उसने प्रभु का मार्ग तैयार करो का मैसेज दे करके गए हैं। बहुत अच्छा लगा वो कॉटेसर, बस इतना ही। यार, मैं नहीं जानती हूँ इनके बारे में, मतलब एक तरह से आस्था कह सकते हैं। हाँ, आस्था है प्रभु का, इसलिए तो आए हैं हम लोग उसको दर्शन करने के लिए। बहुत से लोगों को आस्था है और ये वजह है कि दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए। जो देखिए लाइन लगे हुए हैं, अब हर देखिए हर समुदाय के लोग भी हैं उसमें दिखेंगे, साथ ही साथ आपको देखिए छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सभी हैं लाइन में। और ये देखिए इस साइड का जो चर्च का जो प्रमुख द्वार है वो खोल दिया गया है, और इस प्रमुख द्वार से जो लोग हैं वो प्रवेश
कर रहे हैं ताकि कार्डिनल टेलीस्कोप टोपों का दर्शन कर सके। हालांकि कुछ देर पहले ये रास्ता बंद कर दिया गया था, लेकिन अब जो है इस रास्ते को खोल दिया गया है और अब इसी रास्ते और इस गेट के माध्यम से होते हुए जो उनके चाहने वाले उनके मानने वाले लोग हैं वो प्रवेश कर रहे हैं। और प्रवेश करते हुए जब अंदर की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी तब आम लोगों के लिए जो चर्च के दरवाजा है वो खोल दिया जाएगा ताकि जो लोग हैं उनका अंतिम दर्शन कर सके। तो देखिए किस तरह से जो लोग हैं, जिस तरह से हमने दिखाया कि बाहर किस तरह से लोगों का हुजूम उमड़ा था, एक विशाल मानव श्रृंखला बनाई गई थी मांडर से लेकर रांची तक, अब उस तरह का नज़ारा आपको चर्च के अंदर भी दिखेगा कि किस तरह से जो लोग हैं अब यहाँ पर भी पहुँचे हुए हैं। सिस्टमेटिक वे में जो है सारी प्रक्रिया की जा रही है, लाइन से जितने भी जो लोग रांची से आए हुए हैं या फिर झारखंड के दूसरे ज़िलों से आए हुए हैं या फिर दूसरे राज्य से पहुँचे हुए हैं वो भी जो सिस्टमेटिक तरीके से दर्शन किया जाना चाहिए वो सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर जो प्रक्रिया है वो चल रही है। और कुछ देर में ही जो अंदर की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी तब चर्च का जो दरवाजा है वो खोल दिया जाएगा और लोग इंतजार कर रहे हैं दर्शन के लिए, वो लोग भी दर्शन कर पाएंगे। कुछ और भी लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि वो उनको कैसे जानते थे, कभी मुलाकात हुआ उनके, क्या कुछ उनसे प्रेरणा मिलती थी जानने की कोशिश करते हैं। जो आम लोग हैं उन वो कैसे देखते हैं। अच्छा आप लोग क्या कार्डिनल से कभी मुलाकात हुई, कभी आप लोग किसी से? चलिए तो कई लोग जो है आए हुए हैं, बहुत लोग की मुलाकात नहीं हुई थी लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अंतिम दर्शन करना चाह रहे हैं। उनके बारे में सुना है काफी प्रचलित है, ऐसे में जो लोग चाह रहे हैं कि उनसे मुलाकात हो अंतिम दर्शन। सर आपने मुलाकात की थी या उनके बारे में कभी सुना? नहीं पर्सनली तो हाल फिलहाल नहीं। उनके बारे में कभी सुना? हाँ क्यों नहीं सुनेंगे, हमारे धर्म में बताइए कुछ है? वो बहुत अच्छा बातचीत करते थे और सबके साथ बहुत अच्छा। और यही वजह है कि लोगों का लंबा हुजूम बहुत बड़ा विशाल जो है मानस है। अभी तो कल लोकल लोग हैं, कल बाहर से भी लोग आएंगे तो देखेंगे, मतलब लाखों में होंगे। इस तरह का नज़ारा कम ही देखने को, किसी के सौ यात्रा में इतने लोग उमड़ पाते हैं। वो भी है साथ में एक्चुअली जिस पोस्ट तक जिस पद तक पहुँच पाया झारखंड के कोई आदिवासी नेता, मतलब या इसके पहले आदिवासी इस ये भी वजह है जिस पोस्ट पर वो पहुंच पाए हैं अभी तक तो कोई आदिवासी धर्मगुरु नहीं पहुंच पाए, तो ये भी है। और लोगों का सबके साथ मिलनसार थे, सबके साथ अच्छा व्यवहार था, सबको आशीर्वाद देते रहते थे, लोगों को एडवाइस। हाँ सर मैं तो फिलहाल अभी रांची से, आज जो लोग दिख रहे हैं उससे कहीं ज्यादा लोग कल भी दिखाई देंगे क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो नहीं पहुंच पाए हैं। और कल रांची के लैला ग्राउंड में मिसा रखा गया है और उसके बाद जो उनकी बरियल सेरेमनी है वो यहाँ पर संपन्न कराई जाएगी और जो उनकी अंतिम इच्छा थी उस अंतिम इच्छा के अनुसार उन्हें मदर टेरेसा की प्रतिमा के सामने ही विश्राम दिया जाएगा। और बता दूं कि कल कई लोग हैं जो उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुँचेंगे, जिसमें राज्य के राज्यपाल सीपी रावत, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचेंगे और कई ऐसे लोग हैं जो कल कहीं ना कहीं उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचेंगे। और ये देखिए इसमें जो है हर वर्ग के लोग हैं, हर तबके के लोग हैं जो दर्शन करने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं।
लाइन आप देख रहे हैं, जिस तरह से हम लोगों ने सड़क की लाइन दिखाई थी, सड़क जिस तरह से लोगों का हुजूम था, मानव श्रृंखला बनाई गई थी, अब उसी तरह का आपको नजारा चर्च के अंदर भी दिखाई दे रहा है। किस तरह से जो लोग हैं वो अंतिम दर्शन के लिए लाइन में खड़े हैं और कहीं ना कहीं उनके अंतिम दर्शन करना चाह रहे हैं, आखिरी विदाई देना चाह रहे हैं। और ये अभी का नजारा नहीं है, जबकि सुबह से ही जो लोग हैं वो यहाँ पर इंतजार करते हैं, और कई जो है जो छात्र हैं वो भी पहुँचे हुए हैं, स्कूल से हैं, कॉलेज से हैं, वो पहुँचे हुए हैं ताकि उनको आखिरी विदाई दे सके, अंतिम दर्शन कर सके। तो देखिए, और कई जगहों पर तस्वीरें भी लगाई गई है उनकी, ताकि लोग उन्हें जान सके, उनके बारे में जान सके, उन्होंने रांची के लिए क्या किया, राज्य के लिए क्या किया और देश में क्यों प्रख्यात थे, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो है लोगों में इस बात की जानकारी है। और जिस तरह से हम लोगों ने कई लोगों से बात की और आपने सुना कि किस तरह से लोग जो है उनको जानते थे, मानते थे, और जब उनकी मुलाकात होती थी वो लोगों से अच्छे तरीके से बात करते थे, काफ़ी लगाव होता था उनका। तो यही वजह था कि जो यहाँ पर विशाल संख्या में जो लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुँचे हुए हैं, कहीं ना कहीं ये जो हुजूम आपने देखा मांडर से लेकर जो रांची का पुरुलिया रोड जहाँ पर कैथेड्रल चर्च है वहाँ तक का हम लोगों ने आपको नज़ारा दिखाया, और ये दिखाने की कोशिश की कि आर्च बिशप कार्डिनल टेलेस्फोर्ड पी टोप्पो का लोगों से कितना लगाव रहा होगा कि इतने विशाल संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हैं और अभी भी लाइन में खड़े हैं ताकि उनका अंतिम दर्शन कर सके। अब से कुछ देर में ही जो चर्च के अंदर की तमाम जो प्रक्रिया है पूर्ण कर ली जाएगी और उसके बाद जो चर्च का दरवाजा है खोल दिया जाएगा और लोग जो है एक एक करके उनका अंतिम दर्शन कर पाएंगे। न्यूज बायोस्कोप के लिए कैमरा पर्सन नूतन के साथ नीरज कुमार रांची। उसको लेकर प्रश्नित तैयारी यही वजह है कि रांची पूरा जुमर पड़ा, विशाल मानव श्रृंखला बनाई गई जिसमें हर लोग शामिल हुए। सर, प्रथम तो मैं हमारे महामहिम कार्डिनल को भावनी विदाई देते हैं। मैं उनके साथ 3 साल रहा है ये मिनिस्टर के रूप में, उनके खाना पीना की व्यवस्था मैं कर रहा था और इसीलिए उनको सुबह में दालिया और एक सेब दिया जाता था ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। और इस तरह से उन्होंने हमारे आदिवासियों के, ना केवल आदिवासियों के लिए, सबों के लिए बहुत ही बेहतरीन काम किए, और इसीलिए उन्होंने हमेशा यही कहा करते थे कि करता है अच्छा ही करता है, ठीक ही करता है, प्रभु का मार्ग प्यार करो। इसी तरह हमें हमारे आदिवासियों, ना पूरा आदिवासी, पूरे समाज के लिए बहुत क्षति हुई है, हम उनके क्षति का हम पूर्ति नहीं कर पाएंगे। अंतिम इच्छा थी उन्हें कि मदर टेरेसा की जो प्रतिमा स्थापित है इस चर्च में, उसी प्रतिमा के सामने उन्हें विश्राम दिया जाए। हाँ, उनकी अंतिम इच्छा यही थी, इसलिए उसी के अपना अंतिम इच्छा को उनको पूरा किया जा रहा है, वही दफनाया जाएगा। तमाम प्रक्रिया पूर्ण कर ली? हाँ, पूरी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, प्रक्रिया जो है पूर्ण कर ली गई है और कुछ देर में जो है वो सर्वे शुरू किया जाएगा। उनसे राजेश कश्यप है, खिजरी विधायक। सर, कई मुद्दों को लेकर अपनी बातों को मुखरता से रखते रहे हैं, चाहे सरना को हो, चाहे और भी तमाम मुद्दे हो, आज हमारे बीच नहीं है। जो लोगों का हुजूम आपने देखा, किस तरह से लोगों का हुजूम उमरपुरा मांडा से लेके पूरा जो ये पुरलिया रोड है। देखिए, कार्डिनल का होना ही बहुत बड़ा बात है और ये पूरे भारतवर्ष के लिए एक गौरव करने वाला क्षण रहा था जब इनको कार्डिनल बनाया गया। कार्डिनल का बनना, कार्डिनल वैश्विक स्तर के लीडर होते हैं। कार्डिनल मैं आपको कह सकता हूँ कि संत पापा से मिलने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति को भी परमिशन लेकर के उनसे मिलना पड़ता है, वो उस कैटेगरी के लीडर थे। और कार्डिनल का भारतवर्ष से होना, कार्डिनल का झारखंड
छोटे पहले कार्डिनल हैं जिनको ये इस पद को सुशोभित किए। मैं आपको कह सकता हूँ इनके जब ये थे इनका सोच जो था इनका सोच, मैं कई एक बार इनसे आशीर्वाद लेने का अवसर मिला, मुझे वो कहते थे कि राजनीतिक व्यक्ति हो, प्रदेश धनी प्रदेश है, यहाँ के लोगों का आर्थिक विकास कैसे हो, यहाँ के लोगों का सामाजिक विकास कैसे हो, यहाँ के लोगों का राजनीतिक विकास कैसे हो, यहाँ के लोगों का सांस्कृतिक विकास कैसे हो, यहाँ के आदिवासी और मूलवासी कोई फर्क नहीं करते थे, उनमें किसी भी प्रकार का फर्क नहीं था, ये नहीं था कि आप किस समुदाय से, वो देखते थे कि मेरा प्रदेश, क्योंकि कोई भी इंसान जहाँ जन्म लेता है वहाँ के प्रति उसको प्रेम रहता है। अगर आप मिट्टी के घर में भी अगर जन्म लिए हैं तो आपको उस मिट्टी का घर से प्रेम होता है, उसी प्रकार से कार्डिनल भी, क्योंकि यहाँ दक्षिण छोटानागपुर में वो हमारा सौभाग्य था कि वो यहाँ पे इस प्रदेश में जन्म लिए। आज कार्डिनल का नहीं रहना, अगर मैं आपको यकीनन कह सकता हूँ कार्डिनल तिलेश्वर पी टोप्पो स्वस्थ अवस्था में अगर और 10 वर्षों तक अगर जीवित रहते तो झारखंड प्रदेश को यहाँ पर विशाल मानव श्रृंखला बनाई गई है, कह सकते हैं ये विशाल श्रृंखला सिर्फ रांची के मेन रोड और ये कैथेड्रल चर्च के आसपास ही नहीं बल्कि जहाँ जहाँ से उनका शव यात्रा निकाला गया था वहाँ पर ये कह सकते हैं लंबी मानव श्रृंखला बनाई गई थी। और देखिए उनके जो अंतिम यात्रा थी उसमें कितने लोग शामिल हुए हैं, काफ़ी संख्या में जो रांची के साथ साथ दूसरे जगहों से भी जो आए हुए थे वो लोग जो है इसमें शामिल हुए थे और काफ़ी लोग हैं जो कहीं ना कहीं अपने वाहनों में और बहुत सारे लोग जो है वो पैदल निकले हुए थे और मांडर से पैदल ही सफ़र कर यहाँ तक पहुँचे हैं। और जो आप नज़ारा देख रहे हैं ये राजधानी रांची के पुरुलिया रोड स्थित संत मैरी कैथेड्रल के बाहर का नज़ारा है जहाँ पर विशाल संख्या में जो उनके कह सकते हैं जो लोग हैं वो यहाँ पर उनका अंतिम दर्शन करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। और ये सुबह से ही कह सकते हैं बहुत सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि आज विशव कार्डिनल तिलेश्वर पी टोप्पो का अंतिम दर्शन कर सके, क्योंकि वो लोगों से काफ़ी मिलते जुलते रहते थे, लोगों से काफ़ी लगाव रहता था और यही वजह है कि काफ़ी संख्या में जो लोग थे वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। उनके तस्वीर का फ्लैग बनाया गया है और उसी तस्वीर के फ्लैग को लेकर जो है लोग यहाँ पर खड़े हैं, वो देखना चाह रहे हैं, अंतिम दर्शन करना चाह रहे हैं। तो और इसके अलावा बात करूं तो जब जहाँ जहाँ से उनकी शव यात्रा निकाली गई थी कहीं ना कहीं वहाँ सिक्योरिटी के भी तमाम इंतजाम किए गए थे और भीड़ भाड़ की स्थिति, ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति पैदा ना हो इसके लिए वन वे बहुत जगह पर किया गया था और ये जो रास्ता है फिलहाल ब्लॉक कर दिया गया है और सिर्फ जो शव यात्रा में शामिल जो वाहन थे उन्हीं वाहनों को यहाँ से गुजरने दिया जा रहा है। लेकिन कितना विशाल ये समझ सकते होंगे कि ये अंतिम यात्रा का जो निकाला गया था उसमें कितनी संख्या में जो लोग हैं वो शामिल हुए थे कि अभी भी जो है काफ़ी दूर जो है उनका शव है जिसका इंतजार में जो लोग हैं यहाँ पर खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं कि से की मुलाकात हो जाए। आपको बता दूं कि आज शाम 5 बजे से ये कहा जा रहा है, कह सकते हैं उससे पहले से लेकर रात 8 बजे तक लोग उनके दर्शन कर सकते हैं, उनका दर्शन कर सकते हैं और उसके बाद कल सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक उनका अंतिम दर्शन किया।
अवसर उनका इंतजार कर रहे हैं कभी में हमें आगे बढ़ने के लिए आपसे मुलाकात हुई क्या कभी कभी मुलाकात हुई आप या फिर कोई बात उनकी जो याद हो नहीं बहुत से लोग हैं जो आज तक नहीं मिल पाए उनसे और आपकी कभी मुलाकात हुई उनसे अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हुए पहली बार आए उनके बारे में कुछ सुना हो सुना नहीं वो पढ़ा हमने कि उसने प्रभु का मार्ग तैयार करो का मैसेज दे करके गए हैं बस इतना ही यार मैं नहीं जानती हूँ इनके बारे में मतलब एक तरह से आस्था कह सकते हैं हाँ आस्था है प्रभु का इसलिए तो आए हैं हम लोग को दर्शन करने के लिए देखिए बहुत से लोगों को आस्था है और ये वजह है कि दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए जो देखिए लाइन लगे हुए हैं अब हर देखिए हर समुदाय के लोग भी हैं उसमें दिखेंगे साथ ही साथ आपको देखिए छोटे बच्चे हैं बड़े हैं बुजुर्ग हैं सभी हैं लाइन में और ये देखिए इस साइड का जो चर्च का जो प्रमुख द्वार है वो खोल दिया गया है और इस प्रमुख द्वार से जो लोग हैं वो प्रवेश कर रहे हैं ताकि हालांकि कुछ देर पहले ये रास्ता बंद कर दिया गया था लेकिन अब जो है इस रास्ते को खोल दिया गया है और अब इसी रास्ते और इस गेट के माध्यम से होते हुए जो उनको चाहने वाले उनको मानने वाले लोग हैं वो प्रवेश कर रहे हैं और प्रवेश करते हुए जब अंदर की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी तब आम लोगों के लिए जो चर्च के दरवाजा है वो खोल दिया जाएगा ताकि जो लोग हैं उनका अंतिम दर्शन कर सके तो देखिए किस तरह से जो लोग हैं जिस तरह से हमने दिखाया कि बाहर किस तरह से लोगों का हुजूम उमड़ा था एक विशाल मानव श्रृंखला बनाई गई थी मांडर से लेकर रांची तक अब उस तरह का नजारा आपको चर्च के अंदर भी दिखेगा कि किस तरह से जो लोग हैं अब यहाँ पर भी पहुंचे हुए हैं सिस्टमेटिक वे में जो है सारी प्रक्रिया की जा रही है लाइन से जितने भी जो लोग रांची से आए हुए हैं या फिर झारखंड के दूसरे जिलों से आए हुए हैं या फिर दूसरे राज्य से पहुंचे हुए हैं वो भी जो सिस्टमेटिक तरीके से दर्शन किया जाना चाहिए वो सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर जो प्रक्रिया है वो चल रही है और कुछ देर में ही जो अंदर की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी तब चर्च का जो दरवाजा है वो खोल दिया जाएगा और लोग इंतजार कर रहे हैं दर्शन के लिए वो लोग भी दर्शन कर पाएंगे कुछ और भी लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि वो
उनको कैसे जानते थे, कभी मुलाकात हुआ उनके, क्या कुछ उनसे प्रेरणा मिलती थी, जानने की कोशिश करते हैं जो आम लोग हैं उन वो कैसे देखते हैं। अच्छा, आप लोगों ने कभी मुलाकात की थी क्या कार्डिनल से? कभी मुलाकात हुई कभी आप लोगों की किसी से? चलिए, तो कई लोग जो है आए हुए हैं, बहुत लोग की मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अंतिम दर्शन करना चाह रहे हैं। उनके बारे में सुना है, काफी प्रसन्नित है। ऐसे में जो लोग लाइन चाह रहे हैं कि उनसे मुलाकात हो, अंतिम दर्शन हो। सर, कभी आपने मुलाकात की थी या उनके बारे में कभी सुना? नहीं, पर्सनली तो हाल फिलहाल नहीं। उनके बारे में कभी सुना? हाँ, क्यों नहीं सुनेंगे, हमारे धर्म में ये कुछ है। वो बहुत अच्छा बातचीत करते थे और सबके साथ बहुत अच्छा। और यही वजह है कि लोग का लंबा हुजूम, बहुत बड़ा विशाल जो है मानस है। अभी तो कल लोकल लोग हैं, कल बाहर से भी लोग आएंगे तो देखेंगे, मतलब लाखों में होंगे। इस तरह का नज़ारा कम ही देखने को, किसी के सौ यात्रा में इतने लोग उमड़ पाते। हाँ, वो भी है साथ में। एक्चुअली जिस पोस्ट तक, जिस पद तक पहुँच पाए, झारखंड के कोई आदिवासी ने, मतलब या इसके पहले आदिवासी इस, ये भी वजह है जिस पोस्ट पर वो पहुंच पाए हैं। अभी तक कोई आदिवासी धर्मगुरु नहीं पहुंच पाए, तो ये भी है। और लोगों का सबके साथ मिलनसार थे, सबके साथ अच्छा व्यवहार था, सबको आशीर्वाद देते रहते थे, लोगों को एडवाइस करते रहते थे, तो अपनापन फील करते थे। इस वजह से भी लोगों को कला बहुत ज्यादा लोग आएंगे पार्टिसिपेट करने। हाँ सर, मैं तो फिलहाल अभी रांची से, आज लोग दिख रहे हैं उससे कहीं ज्यादा लोग कल भी दिखाई देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो नहीं पहुंच पाए हैं। और कल रांची के लैला ग्राउंड में मिसा रखा गया है, और उसके बाद जो उनकी बरियल सेरेमनी है वो यहाँ पर संपन्न कराई जाएगी। और जो उनकी अंतिम इच्छा थी, उस अंतिम इच्छा के अनुसार उन्हें मदर टेरेसा की प्रतिमा के सामने ही विश्राम दिया जाएगा। और बता दूँ कि कल कई लोग हैं जो उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुँचेंगे, जिसमें राज्य के राज्यपाल सीपी रावत, राज्य के मुखिया मंत्री हेमंत सोरेन पहुंचेंगे, और कई ऐसे लोग हैं जो कल कहीं ना कहीं अंतिम दर्शन के लिए पहुंचेंगे। और ये देखिए, इसमें जो है हर वर्ग के लोग हैं, हर तबके के लोग हैं जो दर्शन करने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। लाइन आप देख रहे हैं, जिस तरह से हम लोगों ने सड़क की लाइन दिखाई थी, सड़क में जिस तरह से लोगों का हुजूम था, मानव श्रृंखला बनाई गई थी, अब उसी तरह का आपको नज़ारा चर्च के अंदर भी दिखाई दे रहा है। किस तरह से जो लोग हैं वो अंतिम दर्शन के लिए लाइन में खड़े हैं, और कहीं ना कहीं उनके अंतिम दर्शन करना चाह रहे हैं, आखिरी विदाई देना चाह रहे हैं। और ये अभी का नजारा नहीं है, जबकि सुबह से ही जो लोग हैं वो यहाँ पर इंतजार करते हैं। और कई जो है जो छात्र हैं वो भी पहुँचे हुए हैं, स्कूल से हैं, कॉलेज से हैं, वो पहुँचे हुए हैं ताकि उनको आखिरी विदाई दे सके, अंतिम दर्शन कर सके। तो देखिए, और कई जगहों पर तस्वीरें भी लगाई गई है उनकी, ताकि लोग उन्हें जान सके, उनके बारे में जान सके, उन्होंने रांची के लिए क्या किया, राज्य के लिए क्या किया, और देश में क्यों प्रख्यात थे, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो है लोगों में इस बात की जानकारी है। और जिस तरह से हम लोगों ने कई लोगों से बात की, और आपने सुना कि किस तरह से लोग जो है उनको जानते थे, मानते थे, और जब उनकी मुलाकात होती थी वो लोगों से अच्छे तरीके से बात करते थे, काफ़ी लगाव होता था उनका। तो यही वजह था कि जो यहाँ पर विशाल संख्या में जो लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुँचे हुए हैं, कहीं ना कहीं ये जो हुजूम आपने देखा, मांडर से लेकर
जो रांची के पुरुलिया रोड जहाँ पर कैथेड्रल चर्च है वहाँ तक का हम लोगों ने आपको नज़ारा दिखाया और ये दिखाने की कोशिश की कि आर्च बिशप कार्डिनल टेलेस्फोर्ड पी टोप्पो का लोगों से कितना लगाव रहा होगा कि इतने विशाल संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हैं और अभी भी लाइन में खड़े हैं ताकि उनका अंतिम दर्शन कर सके। अब से कुछ देर में ही जो चर्च के अंदर की तमाम जो प्रक्रिया है पूर्ण कर ली जाएगी और उसके बाद जो चर्च का दरवाजा है खोल दिया जाएगा और लोग जो है एक एक करके उनका अंतिम दर्शन कर पाएंगे। न्यूज बायोस्कोप के लिए कैमरा पर्सन नूतन के साथ नीरज कुमार रांची। उसको लेकर कोप मुझे ना नहीं बोल सका क्योंकि मैंने उसको वोट किया था। ऐसा किसी को पता नहीं होता है वोट कौन किसको लगाता है, लेकिन ऐसा मजाक करके बहुत बार बोलता था। अच्छा, आपसे कल तक का जो कार्यक्रम है और कहाँ कहाँ से सब लोग आ रहे हैं, कितने? कल का प्रोग्राम ऐसा है, 6 बजे दोबारा हम दर्शन के लिए यहाँ गिरजा खोलेंगे। 1 बजे लोयला ग्राउंड में बड़ा मिसा है जिसमें अब तक 30 बिशपों ने आने का हाँ बोला है। 400-500 तक फादर लोग होंगे, हजारों सिस्टर लोग होंगे और कई हजार हमारे लोग होंगे, साथ साथ हिंदू मुस्लिम सब कुछ है आने वाले है। कल 7:30 और 8 बजे के बीच गवर्नर साहब आएगा अपने अंतिम सम्मान देने के लिए। हमारा मुख्यमंत्री हेमंत जी मिसा खत्म होते होते आएगा, साथ साथ बंधु तिर्की शिल्पी कच्चर बाकी विधायक है, दूसरे राजनीति लीडर पॉलिटिकल लीडर रिलीजियस लीडर सब वहाँ कल होंगे। बाहर से डेलीगेट एक तो 4 दिन का है, 5 दिन का ही टाइम मिला, दूसरा अक्टूबर बाहर लोगों के लिए ठीक नहीं है, सितंबर में सब स्कूल वगैरह खोलते हैं। तीसरी बात है बड़ा सिनर्ड वर्ल्ड सिनर्ड चल रहा है जहां बिशप और हमारे कार्डिनल भी वहां ही है और 1 महीने तक रोम नहीं छोड़ सकते, लेकिन बहुत मैसेजेस आए हैं और पोप का भी मैसेज आया है कल पढ़ा जाएगा, तो सबों के मैसेजेस आए हैं। बिशप को हक होता है अपनी कैथेड्रल में अपना दफन, लेकिन कार्डिनल की इच्छा थी कि वो जो मदर टेरेसा का स्टैचू है, दोनों बड़े दोस्त थे मदर टेरेसा और कार्डिनल, और उसकी इच्छा थी कि मदर टेरेसा के पैरों के नीचे अपना दफन है, तो अपने लिए जगत सुना था विभिन्न जगहों से जो पहुंच रहे हैं वो फूल मालाओं को लेकर जो है यहाँ पर उन्हें कहीं ना कहीं अंतिम विदाई दे रहे हैं। काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे ताकि उनका दर्शन हो सके, वो लोग उनसे मिल सके, उनके आखिरी दर्शन कर सके उनका, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है उन्होंने उनके बारे में सुना था, उनके बारे में जानना चाहा था कि कौन है क्या है, ऐसे में बहुत सारे लोगों की मुलाकात नहीं हो पाई थी और अब ऐसे मौके पर वो लोग जो हैं उनके दर्शन के लिए पहुँचे, कहीं ना कहीं लोग इस पल को लेकर जो है उदास है और उनका ऐसा कहना है कि ऐसा व्यक्ति
शायद उन्हें देखने को फिर कभी ना मिले, लेकिन दर्शन के लिए जो लोग हैं वो अब धीरे धीरे करके जो है अंदर प्रवेश कर रहे हैं। और ये जो सिलसिला है रात 8 बजे तक जारी रहेगा, और सिर्फ ये आज ही नहीं बल्कि कल भी ये सिलसिला जारी रहेगा। सुबह 6 बजे से ही ये अंतिम दर्शन के लिए चर्च के जो द्वार हैं वो खोल दिए जाएंगे, और दोपहर 12 बजे तक कल ये अंतिम दर्शन का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। और इसमें देखिए, जिस तरह से मैंने पहले बताया कि आम से लेकर खास हर लोग जो है इस अंतिम दर्शन के लिए पहुंचेंगे, और आपने देखा होगा किस तरह से जो लोगों का हुजूम उमड़ा था सड़कों पर, जहां जहां से उनकी शव यात्रा निकाली गई थी वहां वहां तक जो है विशाल संख्या में जो लोग थे मानव श्रृंखला बनाकर फूलों की बारिश कर कहीं ना कहीं उनको अंतिम विदाई अंतिम श्रद्धांजलि दे रहे थे। और यहाँ पर जो तमाम प्रक्रिया है पूर्ण करने के बाद अब उनके शव को यहाँ पर रख दिया गया है, और शव रखे जाने के बाद जो लोग है वो पहुँच रहे हैं और उनकी देखिए किस तरह से लोग जो है उनका अंतिम दर्शन कर रहे हैं। और जितना भी कुछ हुआ सारा देखिए अब सिस्टमेटिक वे में सब कुछ हुआ। आज लगभग 8 बजे तक ये सिलसिला जारी रहेगा, उसके बाद जो चर्च के द्वार है वो बंद कर दिए जाएंगे, और उसके बाद कल फिर सुबह 6 बजे चर्च के द्वार जो है खोले जाएंगे और लोग 12 बजे तक दर्शन कर पाएंगे। और लोयला ग्राउंड जो पास में ही स्थित है वहाँ पर मिसा किया जाएगा, यानी कि उनको लेकर प्रार्थना सभा की जाएगी। प्रार्थना सभा में लोग शामिल होंगे, और उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो बरियल सेरेमनी किया जाना है इसी चर्च में, और जो जगह मैंने दिखाया जहाँ पर उन्हें विश्राम दिया जाना अंतिम विदाई दी जानी है उस जगह पर उन्हें दफनाया जाएगा, या कहें कि विश्राम दिया जाएगा। और वो जगह उन्होंने खुद ही चिन्हित की थी, उनकी अंतिम इच्छा थी कि जब भी उनकी मौत हो या फिर निधन हो वो उसी जगह पर विश्राम करना पसंद करेंगे। और जितने भी जो लोग हैं जो चर्च से संबंध रखते हैं और जितने भी संबंधित लोग हैं उन्होंने उसी जगह को चिन्हित करते हुए तमाम जो प्रक्रिया है पूर्ण कर ली है, और कल उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। और हर पल की अपडेट जो है हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक लगातार लाते रहेंगे। तो अब हमें यानी नीरज कुमार और मेरे कैमरा पर्सन नूतन को दीजिए इजाजत, फिर हम आपसे जुड़ेंगे। जी हाँ मिले थे, हम बहुत अच्छे इंसान थे और बहुत ही दयालु थे, बहुत सारा काम किया था समाज के लिए। देखिए जो लोगों का लगाव है जिस तरह से उन्होंने बताया किस तरह से उनकी मुलाकात होती थी किस तरह से उनकी बातें होती थी, वो कहीं ना कहीं अपनी बातों को रखने का प्रयास करते थे और वो अपनी उनकी बातों को सुना करते थे और अपनी बातों को उनसे कार्डिनल से आपकी कई मुलाकात हुई, बहुत से मुद्दे थे जिसको लेकर अपनी बातों को रखते थे उसको लेकर प्रश्नित उनके, और यही वजह है कि रांची पूरा आज उम्र पड़ा विशाल मानव श्रृंखला बनाई गई जिसमें हर लोग शामिल हुए। सर्वप्रथम तो मैं हमारे महामहिम कार्डिनल को भावनी विदाई देते हैं। मैं उनके साथ 3 साल रहा है ये मिनिस्टर के रूप में, उनके खाना पीना की व्यवस्था मैं कर रहा था और इसीलिए उनको सुबह में दालिया और एक से दिया जाता था ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। और इस तरह से
उन्होंने हमारे आदिवासियों के ना केवल आदिवासियों के लिए सबों के लिए बहुत ही बेहतरीन काम किए, और इसीलिए उन्होंने हमेशा यही कहा करते थे कि भगवान जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, ठीक ही करता है, प्रभु का मार्ग प्यार करो। और उन्होंने अपने जीते जीत रहते ये सारी बातें करके दिखाया है। हमें हमारे आदिवासियों ना पूरा आदिवासी पूरे समाज के लिए बहुत क्षति हुई है, हम इनके क्षति को हम पूर्ति नहीं कर पाएंगे। अंतिम इच्छा थी उन्हें कि मदर टेरेसा की जो प्रतिमा स्थापित है इस चर्च में, उसी प्रतिमा के सामने उन्हें विश्राम दिया जाए। हाँ, उनकी अंतिम इच्छा यही थी, इसलिए उसी के अपना अंतिम इच्छा को उनको पूरा किया जा रहा है, वही अपनाया जाएगा। तमाम प्रक्रिया पूर्ण कर ली? हाँ, पूरी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, प्रक्रिया जो है पूर्ण कर ली गई है, और कुछ देर में जो है वो सर्वे शुरू किया जाएगा। उनसे राजेश कश्यप है, खिजरी विधायक। सर, कई मुद्दों को लेकर अपनी बातों को मुखरता से रखते रहे हैं, चाहे सरना कोड हो, चाहे और भी तमाम मुद्दे हो, आज हमारे बीच नहीं है। जो लोगों का हुजूम आपने देखा, किस तरह से लोगों का हुजूम उमड़पुरा मांडा से लेके पूरा जो ये पुरलिया रोड है। देखिए, कार्डिनल का होना ही बहुत बड़ा बात है, और ये पूरे भारतवर्ष के लिए एक गौरव करने वाला क्षण रहा था जब इनको कार्डिनल बनाया गया। कार्डिनल का बनना कार्डिनल वास्तविक स्तर के लीडर होते हैं, मिलने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति को भी परमिशन लेकर के उनसे मिलना पड़ता है, वो उस कैटेगरी के लीडर थे। और कार्डिनल का भारतवर्ष से होना, कार्डिनल का झारखंड प्रदेश से होना, और वो भी दक्षिणी छोटे नागपुर से होना, और वो भी एक आदिवासी समुदाय से वो होना, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि अभी तक का इतिहास में आदिवासी समुदाय के ये पहले कार्डिनल हैं जिनको ये इस पद को सुशोभित किए। मैं आपको कह सकता हूँ, इनके जब ये थे, इनका सोच जो था, इनका सोच, मैं कई एक बार इनसे आशीर्वाद लेने का अवसर मिला। मुझे वो कहते थे कि राजनीतिक व्यक्ति हो, प्रदेश धनी प्रदेश है, यहाँ के लोगों का आर्थिक विकास कैसे हो, यहाँ के लोगों का सामाजिक विकास कैसे हो, यहाँ के लोगों का राजनीतिक विकास कैसे हो, यहाँ के लोगों का सांस्कृतिक विकास कैसे हो, यहाँ के आदिवासी और मूलवासी कोई फर्क नहीं करते थे, उनमें किसी भी प्रकार का फर्क नहीं था। ये नहीं था कि आप किस समुदाय से, वो देखते थे कि मेरा प्रदेश, क्योंकि कोई भी इंसान जहाँ जन्म लेता है वहाँ के प्रति उसको प्रेम रहता है। अगर आप मिट्टी के घर में भी अगर जन्म लिए हैं तो आपको उस मिट्टी का घर से प्रेम होता है, उसी प्रकार से कार्डिनल भी, क्योंकि यहाँ दक्षिण छोटानागपुर में वो हमारा सौभाग्य था कि वो यहाँ पे इस प्रदेश में जन्म लिए। आज कार्डिनल का नहीं रहना, अगर मैं आपको यकीनन कह सकता हूँ, कार्डिनल तिलेश्वर पी टोप्पो स्वस्थ अवस्था में अगर और 10 वर्षों तक अगर जीवित रहते तो झारखंड प्रदेश को जो यहाँ की हुकूमत नहीं दे पाई है वो यहाँ के लोगों को मिलता। लेकिन चूंकि उनकी जो स्वास्थ्य में जो गिरावट आई, नतीजा क्या है कि बहुत सारे उनका जो सपना था, उनका जो सोच था, उन सोच को अमलीजामा नहीं पहनाया जा सकता। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में उनका जो सपना था उस सपना को साकार करेगा। देखिए, बहुत खुल करके सरकार को भी लताड़ने वाले व्यक्तियों में से एक थे। अगर सरकार गलतियां करती थी, उन्होंने कहा था, क्योंकि वो खुद भी एक आदिवासी थे, जब CMT और SPT एक्ट में जब संशोधन करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने कहा था कि CMT SPT एक्ट में अगर संशोधन किया कराया जाएगा तो यहाँ के आदिवासी ही नहीं, यहाँ के मूलवासी भी बदल जाएंगे, क्योंकि दोनों की संस्कृति सभ्यता और गांव एक है। तो इस राजनीतिक सोच था ही था, लेकिन सामाजिक सोच था और समग्र सोच रहा था। कार्डिनल तिलेश्वर पी टोप्पो का नहीं रहना अपूर्णीय क्षति है, और इस क्षति को ईश्वर जाने फिर कब इस पद को झारखंड प्रदेश से सुशोभित होगा यह पद, और उसमें से आदिवासी से कब सुशोभित होगा, ये सपना है। कई मुद्दों के साथ जो सरना कोड के भी कई बहुत बड़े समर्थक भी थे और मांग भी करते रहे थे, वो जानते थे कि जिस प्रकार से विखंडित रहा है यहाँ का जो सरना समुदाय, वो जानते थे कि बहुत सारे लोग वो जात भी लिख नहीं पाते थे। नतीजा क्या है,
कि उनकी संख्या में गिरावट थी, तो चाहते थे, वो चाहते थे, उन्होंने ही सरकार को एक गाइडलाइन दिया था कि आपको सरकार को करना चाहिए, सरकार को देना चाहिए, ताकि जो घटती हुई जो पॉपुलेशन है, जो आदिवासी समुदाय का, वो समुदाय का पॉपुलेशन, देखिए आज मैं आपको, चूंकि ये जगह नहीं है बोलने का, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि अगर आप ईमानदारी पूर्वक सर्वे करा लेंगे तो आदिवासी समुदाय का परसेंटेज जो है 35 अबव है, लेकिन किसी अज्ञानता के कारण आज भी इतना 7% जो है, जो डिफरेंसेस है वो आज भी दिख नहीं रहा है। इसी कारण से महामहिम कार्डिनल का सोच रहा था कि यहाँ के पॉपुलेशन को बचाया जाए और यहाँ के जो एक्चुअल जो यहाँ का जो पॉपुलेशन है उसको दिखलाया जाए। कोई अंतिम बात जो उनकी याद हो आप, और साथ ही साथ कोई संदेश जो आप देने चाह रहे? देखिए मैं उनके गांव गया था, उनके भतीजा का सिल्वर जुबली था मैक्सिमस का, तो वहां से उनसे बहुत नजदीक से भोजन करने का अवसर मिला था, बहुत सारी बातें। तो आज मैं उनको देखता हूं तो आज इतने बड़े हस्ती, आज भी उनका गांव जाएंगे, उनका घर जाएंगे तो आपको वही खपड़ा मक्का मकान मिलेगा, वही जो है पुराना गांव का जो नदी मिलेगा, वही जो है लोग जो है, तो आज तो एक छोटा अफसर बन जाता है तो बहुत बड़ा वो साम्राज्य स्थापित कर देता है। इतने बड़े लीडर का गांव जाइएगा तो एक खपड़ा का मकान और उनके लिए एक शौचालय, उसके अलावा आपको और कुछ नहीं मिलेगा। तो ये सोच रहा था, तो ये सोच हर किसी के पास नहीं हो सकता है, ये महान व्यक्ति जो होते हैं उन्हीं का ये सोच हो सकता है। किसी का इस तरह से सोच नहीं हो सकता है क्योंकि उनका एक अलग ही अंदाज था, अलग ही ख्याप था, और यही वजह है उनका एक अलग पहचान बना था। और देखिए किस तरह से जो अभी भी जो लोग दर्शन करने के लिए यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। और कहाँ से हैं आप लोग? डोरंडा से दर्शन करने के लिए पहुँचे हुए सुबह से ही? नहीं, हम लोग दोपहर से, हम लोग रोड से ही उनका इंतजार कर रहे थे दर्शन के लिए, कड़ी धूप में। हाँ, कड़ी धूप में आज हम लोग श्रद्धांजलि देना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत महान कार्य किए हैं, विशेष रूप से हमारे छोट नागपुर के लिए। अवसर मिला कभी मिलने का या कोई बातें उनकी याद हो? हाँ, याद है, वो जब भी कहा करते थे जो कुछ भी होता है अच्छा के लिए होता है, उनका एक मेन, जब भी वो कहीं भी कुछ भी कहते थे तो ये शब्द वे कहते थे, तो उनसे हमें प्रेरणा मिलती है कि अपने जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए। आपसे मुलाकात हुई क्या कभी? कभी मुलाकात हुई या फिर कोई बात उनकी जो याद हो? नहीं, बहुत से लोग हैं जो आज तक नहीं मिल पाए उनसे। और आपकी कभी मुलाकात हुई उनसे? नहीं। अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हुए? पहली बार आए। उनके बारे में कुछ सुना हो? सुना नहीं, वो पढ़ा हमने कि उसने प्रभु का मार्ग तैयार करो का मैसेज दे करके गए हैं, बस इतना ही। और मैं नहीं जानती हूँ इनके बारे में, मतलब एक तरह से आस्था कह सकते हैं। हाँ, आस्था है प्रभु का, इसलिए तो आए हैं हम लोग दर्शन करने के लिए। बहुत से लोगों को आस्था है और ये वजह है कि दर्शन करने के लिए पहुंचे हुए, जो देखिए लाइन लगे हुए हैं अब हर, देखिए हर समुदाय के लोग भी हैं उसमें दिखेंगे, साथ ही साथ आपको देखिए छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सभी हैं लाइन में है। और ये देखिए इस साइड का जो चर्च का जो प्रमुख द्वार है वो खोल दिया गया है, और इस प्रमुख द्वार से जो लोग हैं वो प्रवेश कर रहे हैं ताकि हालांकि कुछ देर पहले ये रास्ता बंद कर दिया गया था, लेकिन अब जो है इस रास्ते को खोल दिया गया है, और अब इसी रास्ते और इस गेट के माध्यम से होते हुए जो उनको चाहने वाले, उनको मानने वाले लोग हैं वो प्रवेश कर रहे हैं। और प्रवेश करते हुए जब अंदर की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी तब आम लोगों के लिए
जो चर्च के दरवाजे हैं वो खोल दिया जाएगा ताकि जो लोग है उनका अंतिम दर्शन कर सके। तो देखिए किस तरह से जो लोग हैं, जिस तरह से हमने दिखाया कि बाहर किस तरह से लोगों का हुजूम उमड़ा था, एक विशाल मानव श्रृंखला बनाई गई थी मांडर से लेकर रांची तक, अब उस तरह का नज़ारा आपको चर्च के अंदर भी दिखेगा कि किस तरह से जो लोग हैं अब यहाँ पर भी पहुँचे हुए हैं। सिस्टमेटिक वे में जो है सारी प्रक्रिया की जा रही है, लाइन से जितने भी जो लोग रांची से आए हुए हैं या फिर झारखंड के दूसरे जिलों से आए हुए हैं या फिर दूसरे राज्य से पहुँचे हुए हैं, वो भी जो सिस्टमेटिक तरीके से दर्शन किया जाना चाहिए वो सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर जो प्रक्रिया है वो चल रही है, और कुछ देर में ही जो अंदर की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी तब चर्च का जो दरवाजा है वो खोल दिया जाएगा और लोग इंतजार कर रहे हैं दर्शन के लिए, वो लोग भी दर्शन कर पाएंगे। कुछ और भी लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि वो उनको कैसे जानते थे, कभी मुलाकात हुआ उनके, क्या कुछ उनसे प्रेरणा मिलती थी जानने की कोशिश करते हैं। जो आम लोग हैं उन वो कैसे देखते हैं। अच्छा, आप लोगों ने कभी मुलाकात की थी क्या पार्टनर से, कभी मुलाकात हुई कभी आप लोगों की किसी से? चलिए, तो कई लोग जो है वो आए हुए हैं, बहुत लोग की मुलाकात नहीं हुई थी लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अंतिम दर्शन करना चाह रहे हैं, उनके बारे में सुना है काफी प्रचलित है। ऐसे में जो लोग चाह रहे हैं कि उनसे मुलाकात हो, अंतिम दर्शन। सर, कभी आपने मुलाकात की थी या उनके बारे में कभी सुना? नहीं, पर्सनली तो बहुत ख्याल नहीं। उनके बारे में कभी सुना? हाँ, क्यों नहीं सुनेंगे, हमारे धर्म में बताइए कुछ। हाँ, वो बहुत अच्छा बातचीत करते थे और सबके साथ बहुत अच्छा, और यही वजह है कि लोगों का लंबा हुजूम बहुत बड़ा विशाल जो है मानस। अभी तो कल लोकल लोग हैं, कल बाहर से भी लोग आएंगे तो देखने के लिए मतलब लाखों में होंगे। इस तरह का नज़ारा कम ही देखने को, किसी के सौ यात्रा में इतने लोग उमड़ पाते। हाँ, वो भी है साथ में। एक्चुअली जिस पोस्ट तक, जिस पद तक पहुँच पाए झारखंड के कोई आदिवासी नेता, मतलब या था इसके पहले आदिवासी, इस ये भी वजह है जिस पोस्ट पर वो पहुंच पाए हैं अभी तक कोई आदिवासी धर्मगुरु नहीं पहुंच पाए, तो ये भी है। और लोगों का सबके साथ मिलनसार थे, सबके साथ अच्छा व्यवहार था, सबको आशीर्वाद देते रहते थे, लोगों को एडवाइस करते रहते थे, तो सब अपनापन फील करते थे। इस वजह से भी लोगों को कला बहुत ज्यादा लोग आएंगे पार्टिसिपेट करने। हाँ सर, मैं तो फिलहाल अभी रांची से, आज लोग दिख रहे हैं उससे कहीं ज्यादा लोग कल भी दिखाई देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो नहीं पहुंच पाए हैं, और कल रांची के लोयला ग्राउंड में मिसा रखा गया है और उसके बाद जो उनकी बरियल सेरेमनी है वो यहाँ पर संपन्न कराई जाएगी, और जो उनकी अंतिम इच्छा थी उस अंतिम इच्छा के अनुसार उन्हें मदर टेरेसा की प्रतिमा के सामने ही विश्राम दिया जाएगा। और बता दूं कि कल कई लोग हैं जो उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचेंगे, जिसमें राज्य के राज्यपाल सीपी राधा कृष्ण, राज्य के मुखिया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचेंगे, और कई ऐसे लोग हैं जो कल कहीं ना कहीं अंतिम दर्शन के लिए पहुंचेंगे। और ये देखिए, इसमें जो है हर वर्ग के लोग हैं, हर तबके के लोग हैं जो दर्शन करने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। लाइन आप देख रहे हैं, जिस तरह से हम लोगों ने सड़क की लाइन दिखाई थी, सड़क में जिस तरह से लोगों का हुजूम था, मानव श्रृंखला बनाई गई थी, अब उसी तरह का आपको नजारा चर्च के अंदर भी दिखाई दे रहा है, किस तरह से लोग हैं वो अंतिम दर्शन के लिए लाइन में खड़े हैं और कहीं ना कहीं उनके अंतिम दर्शन करना चाह रहे हैं, आखिरी विदाई देना चाह रहे हैं। और ये अभी का नजारा नहीं है, जबकि सुबह से ही
सुबह से ही जो लोग हैं वो यहाँ पर इंतजार करके, और कई जो है जो छात्र हैं वो भी पहुँचे हुए हैं, स्कूल से हैं, कॉलेज से हैं, वो पहुँचे हुए हैं ताकि उनको आखिरी विदाई दे सके, अंतिम दर्शन कर सके। तो देखिए, और कई जगहों पर तस्वीरें भी लगाई गई है उनकी, ताकि लोग उन्हें जान सके, उनके बारे में जान सके, उन्होंने रांची के लिए क्या किया, राज्य के लिए क्या किया और देश में क्यों प्रख्यात थे, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो है लोगों में इस बात की जानकारी है। और जिस तरह से हम लोगों ने कई लोगों से बात की और आपने सुना कि किस तरह से लोग जो है उनको जानते थे, मानते थे, और जब उनकी मुलाकात होती थी वो लोगों से अच्छे तरीके से बात करते थे, काफ़ी लगाव होता था उनका। तो यही वजह था कि जो यहाँ पर विशाल संख्या में जो लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुँचे हुए हैं, कहीं ना कहीं ये जो हुजूम आपने देखा मांडर से लेकर जो रांची का पुरुलिया रोड जहाँ पर कैथेड्रल चर्च है वहाँ तक का हम लोगों ने आपको नज़ारा दिखाया, और ये दिखाने की कोशिश की कि आर्च बिशप कार्डिनल टेलीस्पोर्ट पी टोपो का लोगों से कितना लगाव रहा होगा कि इतने विशाल संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हैं और अभी भी लाइन में खड़े हैं ताकि उनका अंतिम दर्शन कर सके। अब से कुछ देर में ही जो चर्च के अंदर की तमाम जो प्रक्रिया है पूर्ण कर ली जाएगी और उसके बाद जो चर्च का दरवाजा है खोल दिया जाएगा और लोग जो है एक एक करके उनका अंतिम दर्शन कर पाएंगे। न्यूज बायोस्कोप के लिए कैमरा पर्सन नूतन के साथ नीरज कुमार, रांची। खबरें खेल नहीं है, खिलाड़ी कई है। खबरें ख्वाब भी नहीं, लेकिन इन ख्वाबों के सौदागर कई है। खबरों की अपनी जुबा होती है, मगर हर जुबा पर खबर नहीं होती। खबरें दरख्त तो नहीं, टहनियां जो सच्ची होती छांटती जाती है। इसलिए विश्वास की तनी डोर पर खबरों का चलना अब किसी कर्तव्य से कम नहीं। कर्तव्य का ऐसा ही एक मंच हम सजा रहे हैं, बस आपको झांकना होगा इस बाइस्कोप एक नजर पूरी खबर। खबरें खेल नहीं है, इसके खिलाड़ी कई है। खबरें ख्वाब भी नहीं, लेकिन इन ख्वाबों के सौदागर कई है। खबरों की अपनी जुबा होती है, मगर हर जुबा पर खबर नहीं होती। खबरें दरख्त तो नहीं, टहनियां जो सच्ची होती छांटती जाती है। इसलिए विश्वास की तनी डोर पर खबरों का चलना अब किसी कर्तव्य से कम नहीं। गर्तन का ऐसा